लेडीज को डेली यूज में तो आयुर्वेद की चीजें यूज करो, काजल लगानी है तो आयुर्वेद की काजल लगाना, इसमें है एलमंड, आंवला, हरड़, बहेड़ा, यष्टमधि और सारी आयुर्वेदिक चीजें। काजल जो आप केमिकल वाली लगाती हो ना, काजल तो इधर भी लगाते होंगे ना, काजल आंखों में लगाती हो ना, केमिकल वाली काजल मत लगाओ, आंखें खराब हो जाएंगी, इससे आई साइट तुम्हारी अच्छी रहेगी। चलो अब बहुत कुछ बताना है आपको, अभी लेडीज के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, उसको पूरा विस्तार से बताएंगे। बालों में तेल लगाया करो, लेकिन पैराफिन वाला, मिनरल ऑयल वाला नहीं। बालों की जड़ों में कैंसर मत डालो, पैराफिन कैंसरस होता है। मिनरल ऑयल जिसपे आप सोचते पता नहीं कौन से मिनरल है, मिनरल ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसका नाम मिनरल ऑयल रख दिया, ऐसे ही बहुत खतरनाक है। जो भी आप हेयर ऑयल्स यूज करते हो ना, चाहे वो हेयर केयर हो, और मैं किसी का किस किस का नाम लूं मैं, चाहे वो एलमंड ऑयल के नाम से मिलते हैं, चाहे आंवला हेयर ऑयल के नाम से मिलते हैं, बाजार में जो जो मिलते हैं 99, और मैं यदि कहूं तो 100% हेयर ऑयल्स में क्या डालते हैं, पैराफिन, मिनरल ऑयल। उससे क्या होता है, बाल बाउंसी बाउंसी लगते हैं, बाल ना ऐसे झटका मारो तो एक झटके में इधर हो जाते हैं, ऐसे झटका मारो तो इधर हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन में तो फुर फुर और बाद में पूरे ही उड़ जाते हैं, खत्म। ये नहीं, इसलिए इसके लिए हमने बनाया केश कांति हेयर ऑयल, 21 जड़ी बूटियां इसमें, 21 हर्ब्स, और ये बालों की जड़ों में लगाना रोज। ऐसे किसी किसी को ना फैशन में आजकल लगाते नहीं तेल, तो फैशन भी करना है तो स्नान के बाद ये एलोवेरा जेल लगा लिया करो, जैसे स्नान किया तो एलोवेरा जेल लगा लो, इससे आपके बाल ना ऐसे शाइनिंग करेंगे। और शैंपू करने से पहले ये लगा लो रात को बालों की जड़ों में, जैसे पेड़ पौधों को पानी चाहिए, आपकी जड़ों को भी पोषण चाहिए प्रकृति का। चलो बहुत कुछ बताना है, अभी तो आ गया आपको, बाह्य प्राणायाम करते हैं, ये कपाल भाती के बाद देखो, ये अंदर गया नहीं, श्वास मार छोड़ के अंदर खींचो ना, देखो ऐसे, बोले बाबा जी छिपका आ जाता है मोटा। फिर इसको हिलाते हैं तो, और गोल गोल घुमाते हैं तो, पूरा गोल गोल घूमता है ना। अब कोई नया नया घुमाए तो आगे से तो घूमता नहीं पीछे, उल्टी नोली हो गई, बैक गियर लग गया। सुनो लेडीज के लिए अब बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज भी बताएंगे, पोश्चर्स भी बताएंगे, प्राणायाम पहले करवा देते हैं, बहुत जरूरी। पूरी बॉडी एकदम फिट, हेल्थ, फिगर्स, फिटनेस एंड फेयरनेस, सब कुछ ये ना, हेल्थ, फिटनेस, फिगर्स, फेयर स्किन, ब्यूटी, सबको चाहिए, ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल स्किन, सब कुछ। कपाल भाती के बाद उज्जाई करना थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी है। Mm-hmm.
ये उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कराते हैं पहले, बहुत जरूरी है सब। फिर आपको डिफरेंट पोस्चर्स भी कराएंगे। बहुत अच्छे अच्छे बिस्किट हैं, ये गाय के दूध का बना हुआ है, ऐसे जीरा बिस्किट है, फिर नारियल बिस्किट है, फिर चॉकलेट वाला बिस्किट है, मैरी बिस्किट है, सब तरह के बिस्किट है। फिर ये आटा नूडल है, ये तो जबरदस्त, पहली बार हिंदुस्तान में हमने लॉन्च किया राइस बर्न ऑयल से वेजिटेबल्स के साथ, और इसमें फूड साइंस और आयुर्वेदिक साइंस दोनों मिला करके, जिससे कि लोग खराब खराब चीजें खा के बीमार हो रहे थे ना, तो उसके लिए। खैर, ये उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी देर होल्ड करके राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ा, चलो सब बहने सीधी बैठो, अब अनुलोम विलोम करना है सबको। रेज योर राइट हैंड, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल फास्ट एंड इनहेल द ब्रेथ थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। बहुत अच्छा है, सब उठाओ राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करो, सब मेरी तरह से करो। Everybody do like this. ये बहुत जरूरी है। हर सांस के साथ ओम का ध्यान। सांस भरो तो मन में ओम ओम, सांस छोड़ो तो मन में ओम। ऐसे करो सब। एक सुंदर भजन सुनाते हैं, करते रहो। तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में। एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भी बोलो, अंतःकरण भी बोलो, सांसों के तार तार में।
लंबा लो लंबा छोड़ो। लेडीज को बहुतों को स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के लिए माइग्रेन पेन और डिप्रेशन भी बहुत महरूम को रहता है। माइग्रेन पेन, हेडेक, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफीनिया एंड एपिलेप्सी, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, एंगर, गुस्सा, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, उसके लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम। 5-5 मिनट्स का एक एक राउंड, 10-15 मिनट्स डेली करना है और भावपूर्ण हृदय से, श्रद्धा से करना तो ज्यादा लाभ होगा। आइए मिलकर के आप भी गाइए, एक बार सब मिलकर के गाते कीर्तन, भगवान की भक्ति। ज्ञानी की निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, योग करेंगे ना आपकी वाणी, आपका आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार, पूरा आचरण ही बदल जाएगा। तालियों के साथ गाइए। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी से उनकी वाणी, ज्ञानी की ये निशानी, मीठी से उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को मिलो, सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पियो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पियो, प्रभु प्यार को पियो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की जय। ऐसे रोज प्राणायाम करना। फिर देखो ये 5-5 मिनट्स करके 10-15 मिनट्स, फिर भ्रामरी उद्गीत करना, आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में एक ही भगवान की महिमा को अनुभव करना। सब मेरे साथ बोलिए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः माग्रथाः कस्य सिद्धनम् वासुदेवाः सर्वं सर्वं खलु इदं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम मुक्तोहम मुक्तोहम शांतोहम शांतोहम पूर्णोहम पूर्णोहम
ये हमारा स्वरूप है। देखो हम सब शिव रूप आत्मा हैं। ये मेल एंड फीमेल, दिस इज द बॉडी, वी आर नॉट बॉडी, वी आर ऑल सोल्स, डिवाइन सोल्स। हम सब आत्माएं हैं और आत्मा सबका शिव रूप है, शांति रूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप है। अपनी पूर्णता में जीना, यही योग अध्यात्म है। और जिस ने सारी दुनिया को बनाया, जो कण कण में समाया, जो सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला और सबको अपने अंत में अपने भीतर समाने वाला, वो भगवान। और जिसके लिए दुनिया बनाता है वो इंसान, वो आत्माएं हम, और जिससे दुनिया बनाता है वो प्रकृति। इसका त्याग पूर्वक, विवेक पूर्वक उपभोग करो, बस यही सत्य इस दुनिया का। आइए अब भ्रामरी करेंगे अपने आज्य चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में, माता में, पिता में, पति में, बच्चों में, सब में भगवान को देखना, तो हमारा घर स्वर्ग बनेगा। हम जीते जी स्वर्ग में रहेंगे, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगलियों से आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख बंद होगा, नाद होगा नासिका से, 3 to 5 times डेली करना है। आइए लंबा गहरा सांस भरिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ऐसे 5 बार कम से कम रोज कर लो, फिर उद्गीत प्राणायाम। आप लंबा गहरा सांस भरेंगे, ओम बोलेंगे, ओ oh।
मौन हो जाएं, शांत। श्वासों पर ध्यान देना, हर श्वास के साथ ओम का ध्यान। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना। ओम इति काक्षरम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान। तीन बातों का ध्यान ध्यान के समय जरूर करना। मैं ईश्वर की संतान, हम सब भगवान के बेटे बेटियां हैं। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतान हूं, मैं भारत माता की धरती माता की संतान हूं। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, अमृतस्य पुत्रा, अमृतस्य पुत्रा। हम ईश्वर की संतान हैं, ऋषियों की संतान हैं, भारत माता की संतान। इसी गौरव के साथ, कर्तव्य बोध के साथ अपने जीवन में हमें पुरुषार्थ करना है। श्वासों के साथ ओम का ध्यान करना, ओम के साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसे दो तीन मिनट से लेकर पांच मिनट ध्यान करना हर श्वास के साथ ओम का। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए और दोनों हाथ आंखों पर रखते हैं, आंखें खोल लेते हैं। देखो, ध्यान करने से ईश्वरीय ज्ञान से, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, पावर, प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर एंड पीस, सबका मूल स्रोत भगवान है। गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, पावर, प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर, पीस, नॉलेज एंड एवरीथिंग, सब कुछ का स्रोत तो भगवान। तो ऐसे अपने मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान, हृदय में ईश्वरीय प्रेम करुणा प्रेरणाएं, अपने शरीर में ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का ऐश्वर्य अपने भीतर उतरने लगता है और हम भगवान के ही मूर्त रूप बन जाते हैं। वी आर द लाइव गॉड ऑन द अर्थ, हम भगवान के मूर्त रूप ही धरती पर, सगुण साकार रूप। तो योग ध्यान से ऐसी दिव्यता आएगी। हमारे बीच में मुंबई से आए हुए हैं भाई सुनील सैनी जी, एक बार उनका भी जोरदार करतार ध्वनि से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये भाई सुनील सैनी जी को भेजा है हमारे भाई शनि देओल जी ने आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने कल ट्वीट किया था पहली बार किसी पिक्चर के बारे में, और हमारी इच्छा कि मूल्यों पर, आदर्शों पर आधारित, राष्ट्रभक्ति पर आधारित, भारतीय परंपराओं पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाए, इसलिए घायल वंस अगेन को हमने समर्थन दिया। और मैं एक बात बहुत प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं, बहुत से स्टार्स हैं, वो अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन शनि देओल एक ऐसा स्टार है जो कभी शराब नहीं पीता है, कभी कोई अनैतिक आचरण नहीं करता है। उसके लिए हमारी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत अभिनंदन है। वो खुद भी यशस्वी हो और उनकी घायल वंश अगेन ये पिक्चर भी खूब यशस्वी हो, और उसमें उन्होंने सत्यकाम की भूमिका में सच्चाई के लिए लड़ने का जो संघर्ष किया है और समाज को एक संदेश दिया है कि हमें किसी भी कीमत पर सच्चाई के मार्ग से नहीं हटना, एक ऐसी पिक्चर है जिसको परिवार के साथ देख सकते हैं। नहीं तो हमारे जैसे लोग तो हमेशा पिक्चरों का विरोध करते हैं, और हमने समर्थन किया है तो उसके पीछे एक सच्चाई है, एक आदर्श है, एक मूल्य है, एक बहुत ऊंची देशभक्ति की और बहुत ऊंचे चरित्र की एक भूमिका जो है वो शनि देओल जी ने निभाई है। तो इसके लिए हम सब की ओर से एक बार घायल वंश अगेन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और जो भी लोग इस पिक्चर में थोड़ी भी रुचि रखते हैं वो जरूर इसको देखें और औरों को भी प्रेरित करें, जिससे कि हम अच्छे सिनेमा को, अच्छी पिक्चरों को प्रोत्साहन दे सकें।